स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, फूल की टोकरियां उधर रख दो। ठीक है। अरे बेटा ये अब बोल जाएगा। बड़ी बहू, बड़ी बहू, ये क्या? सबको तैयार करने भेज दिया और तुम दोनों हो ही नहीं? हाँ माँ, बस अभी हो दिया। कुछ कुछ छूटा तो नहीं ना? अरे हाँ, अंगूठी आएगी नहीं? हे भगवान, माँ अभी तक। माँ, माँ। हाँ बेटा, ले आया? ये लीजिए, टाइम से पहले लेके आया हूँ। अब तो आपकी चिंता दूर हो गई ना? देखिए माँ। अरे वाह, इतनी सुंदर है। चमाइसा को पसंद आएगी ना? अरे दीदी, जरूर पसंद आएगी। अब हम जाके देखते हैं अक्षरा तैयार हुई कि नहीं। हाँ चल, लेकिन वर्षा तो है उसके पास, अच्छे से ही तैयार किया होगा। पर चल देखते हैं कैसी लग रही है अक्षरा। तुम दोनों जाकर पहले तैयार हो जाओ, मैं जाती हूँ अक्षरा के पास। चलो बेटा, तू भी जा जल्दी तैयार हो जा। जी माँ। आ जा छोटी। तो गए काम से, गया उनका दिल उनके हाथ से। जरा आईना तो देख, क्या जुल्म ढाने वाली है उन पर। नाना अक्षरा रुक, अभी आईना मत देखना। अब देख सकती है, पता है कभी कभी अपनी ही नजर लग जाती है। गजरारे मैंने उसे जब देखेगी उनको बिजली से गिर जाएगी उन पर, है ना दादी? अरे आज से ही क्यों, मुझे तो लगता है वो पहले से ही चारों खाने चित है। उसे देखकर तो ऐसे ही लगता है भाई। और क्या क्या लगता है आपको दादी? क्यों, और कितनी तारीफ सुनना चाहती है? नहीं, अब मेरा मतलब है कि आपने कभी मुझसे कहा नहीं ना कि आप नैतिक जी के बारे में क्या सोचती हैं। हाँ दादी की नजर तो हम सबसे अलग ही होगी ना। भाई मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है। दादी उसमें कुछ तो अलग होगा ना? उसमें सबसे अलग बात यही है कि हमारी अक्षरा को उससे अच्छा वर मिल ही नहीं सकता था। बहुत प्यार से रखेगा इसे। और मुझे लगता है कि वो थोड़े अड़ियल हैं और थोड़ा जिद्दी भी। ये कलर क्यों ले लिया रश्मि? अच्छा तो है पर मुझे ये कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये पहनूंगा, कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? कितना ओल्ड फैशन है। देखो ना माँ, ये कलर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आज के दिन मुझे यही पहनना पड़ रहा है। मुझे पता नहीं था बेटा तुझे ये रंग पसंद नहीं आएगा। दादा आप भी ना, माँ कितनी खुशी से कितने प्यार से लाई थी ये आपके लिए, उन्हें कितना पसंद था और आप। जिद्दी है, गुस्सा भी हो जाता होगा। हाँ। अरे दादी से एक बात नहीं छुप सकती, मन का बड़ा साफ है। अरे इतनी बात जान ले, दिल का खरा सोना है तेरा होने वाला पति।
माँ। माँ आप मुझसे नाराज हो गई? नहीं तो सुनिए तो माँ। मुन्ना मुझे बहुत काम करने हैं, देख सब कुछ बिखरा पड़ा है। प्लीज माँ। लड़की वालों के घर जाने का समय भी हो गया है, तू नीचे जाना मुन्ना, तेरे बाबूजी तुझे ढूंढते होंगे। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, मेरी तरफ देखेंगी भी नहीं, इतना बुरा लग गया माँ, सॉरी। ले, मैं नाराज नहीं हूं। मुझे बेज कलर अच्छा नहीं लगता माँ, इसीलिए मैंने कह दिया, मैंने आपको थोड़ी ना कुछ। तो ठीक किया ना बेटा, मैं समझती हूँ, मुझे बुरा बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा, अब हट। माँ मैं जानती हूँ मुन्ना, तू बड़ा हो गया है, तेरी पसंद बदल गई है, अब इस बारे में मत सोच। माँ चाहे कितना भी बड़ा हो जाओ लेकिन रहूंगा तो आपका ही मुन्ना ना। लेकिन अब समझ कहां पाती हूँ तुझे। माँ मैं तो पहले से ही जिद्दी था, लेकिन आप बात बात पर ऐसे बुरा नहीं माना करती थी, अब सच तो यही है कि मैं कभी बड़ा हुआ ही नहीं, पर आप बूढ़ी होती जा रही है और चिड़चिड़ी भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वक्त बाद आप सटाने भी लगे? हम तो तैयार हैं लेकिन। चलिए बताइए कैसा लग रहा हूं, बताइए ना। बहुत अच्छा। माँ अच्छे से मेरी आंखों में देखकर कहिए, उतने ही प्यार से जैसे आप हमेशा कहा करती थी, कैसा लग रहा हूं? देखिए अगर कुछ नहीं कहोगी ना माँ तो बुद्ध की तरह खड़ा हो जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बताने की जरूरत है क्या? मेरा मुन्ना बिल्कुल राजकुमार लग रहा है, बहुत अच्छा। उसमें एक मासूमियत है आडंबर नहीं, उसके गुस्से में उसकी मुस्कान में एक सच्चाई है, वो हर बात बड़े सच्चे दिल से कह देता है। लेकिन बेटा सच्ची खरी बात कह देना भी एक गुण है। वो मासूमियत तो अक्षरा में भी है, एकदम सीधी खरी बात कह देती है ना, एकदम अपने पतिदेव की तरह। पर बेटा दोनों में फर्क है, वही सही बातें लड़का कहे तो अलग और वही बातें बहू कहे तो उसका असर अलग पड़ता है। लड़के के लिए जो बात सही है बहू के लिए वही बात कभी कभी अवगुण हो जाती है। तो क्या बहू सच्ची बात नहीं बोल सकती है? क्या उसे झूठ बोल देना चाहिए दादी? बेटा झूठ बोलना और सच ना बताना दोनों में बहुत ही बारीक अंतर है। शादी के बाद जब लड़की नए लोगों से मिलती है तो वो चाहती है कि सब लोग उसे अपनाएं, और यही मुश्किल है, जब वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो वो बता नहीं पाती, कि दूसरों को बुरी ना लगे, दूसरों को चोट ना पहुंचे, इसलिए वो सच नहीं बोल पाती। बेटा मैं ये नहीं कहूंगी कि झूठ बोलो या बातों को अपने मन में रखो, पर सही मौका देखकर बात को इस ढंग से कहो कि किसी को कड़वी ना लगे और बात आगे भी ना बढ़े। मैं जानती हूँ मेरी दोनों बेटियां बहुत समझदार हैं। देखिए माँ कुछ भी कहने से पहले सोच समझ लीजिएगा, कहीं किसी को कोई बात बुरी ना लगे। लगे सो लगे, अरे मैं झूठ ना बोलती, मैं तो खरी बात बोलूं। माँ लेकिन उससे तो बात बढ़ेगी, और आज तो विशेष ध्यान रखना होगा, हम लड़की वाले ढेर हैं, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। माँ आप वादा कीजिए मुझसे कि आज आप कोई रोक टोक नहीं करेंगे। लो भलाई करो और बुराई बन जावे। अरे मैं किसी को कुछ कहती हूँ क्या हैं? एक बात बता तू ऐसी रहेगी सगाई में? नहीं माँ मैं कपड़े बदलूंगी ना, आपको साड़ी दिखाती हूँ।
मैं सोच रही हूँ ये साड़ी पहनूं। ये? अरे तन्ने तो समझ ही ना है कि क्या पहनना चाहिए और क्या ना। अच्छी नहीं है, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। ये पहन लूँ माँ, सोचा था मेहंदी में पहनूंगी लेकिन ये, अरे इसमें तो बूटे ही बूटे है, नक्काशी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा माँ, और साड़ियाँ लेकर आती हूँ। हे भगवान, कोई पसंद नहीं आ रही माँ को। इनमें से कोई बड़े जी माँ, क्या हुआ? अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, ये सब क्या है? वो माँ, मेरे पास एक भी ढंग की साड़ी नहीं है पहनने के लिए। बड़ी बहू, तुम इतना क्यों सोचती हो? तुम दुल्हन की माँ हो, दुल्हन नहीं वैसे अक्षरा ने भी कभी इतना नहीं सोचा होगा। तुम्हें क्या हो जाता है माँ? लेकिन वो माँ कह रही थी कि ये साड़ियाँ। बड़ी बहू, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम जो कुछ भी पहनोगी खूब जचोगी। हाँ ये पहन लो, आज सबको पता चल जाएगा कि हमारी अक्षरा की खूबसूरती किस पे गई है। अरे समधन जी, किस सोच में डूब गई आप? मैं तो तैयार होने जा रही हूँ, चलिए आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। बहू जल्दी करो। जी माँ। अब माँ ये माँ, आप ये मोतियों का हार पहनेंगी? अरे अभी इस उम्र में मैं क्या पहनूं? माँ पहनिए ना माँ। ना रे, मैं नहीं पहनती। देखिए तो कितना अच्छा है। माँ पहन लीजिए, माँ आपकी समधन भी तो खूब सजेगी संवरेगी। अच्छा तो हम क्यों उनसे कम दिखे? अब देखना हम भी तैयार होकर आते। माँ भी आप ये साड़ी पहनेंगे? जी अच्छी है ना? आप पर बहुत अच्छी लगेगी। और बताइए दुल्हन की माँ, तैयार है ना बेटी की सगाई के लिए? सारे काम सही हो गए ना? अरे काम अच्छी तरह हो गए, अंदर का भी बाहर का भी। अरे 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 अंशुमन अंशुमन, तुम्हें पता है ना गेस्ट आने वाले हैं, तो बाहर के खेलो। हाँ चलो भाग के चलो बेटा। अरे दादा अपना डीजे नहीं मंगाया, हम लोग बहुत डांस करते थे। बेटा आ जाएगा डीजे भी, हाँ संगीत में बुलाएंगे जरूर। चलो चलो भाग के जाओ। हाँ प्रॉमिस। अरे भोला जी आप बाहर जाके कृपया देखिए कि गेस्ट आए कि नहीं। जी छोरे भैया, फौरन मुझे बताना। हाँ, हाँ, अभी जाते हैं। अरे यार ये लड़ियां, सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे यहाँ पे। अब जरा मेहमानों को देखे। जी अरे भाई विशंबर, बढ़िया इंतजाम किया आपने तो। जी धन्यवाद, आप लोग जरा दीजिए, हम जरा देख कर आते। जरूर जरूर। कुछ भी मसाला देखिए उमी, सब कुछ देख लिया ना तुमने? मेहमानों की आवभगत, खाने का प्रबंध सब कुछ देख लिया ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादा, सब प्रबंध हो गया, बस लड़के वाले पहुंच ही रहे हैं। चलो एक मिनट, छोटी बात सुन, अक्षरा ठीक से तैयार हो गई है? हाँ तैयार हो गई दीदी, बिल्कुल। माँ जी भी उतर गई है उसके पास और वर्षा भी है। अच्छा। आज तो हमारी अक्षरा बिल्कुल राजकुमारी दिखेगी। चलो बाल गोपाल सब ठीक करेंगे, चल चलते हैं, वो लोग आने वाले होंगे। अच्छा राधे कृष्ण, आई राधे कृष्ण, आई राधे कृष्ण, गोपीनाथ
अरे वाह दादा, आपके तो मजे ही है, एकदम राजकुमार जैसे स्वागत हो रहा है आपका। मजा तो आएगा ही। आज तो इन्हें कोई कुछ कह ही नहीं सकता है, गेस्ट ऑफ ऑनर जो है। आइए पधारिए 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 आइए। पधारिए वैसा पधारिए। राधे कृष्ण भाई जी, इनसे तो आप मिल चुके हैं? जी मिल चुके हैं, और ये भी जान चुके हैं कि हमसे बढ़कर भी कोई है जो रीति रिवाज को इतना मान देवे है कि हमें झुकना पड़ा इनके सामने। अरे ये कौन है? भाई ये जमाई सा है ना है? अरे मन ने तो कोई और छोरा दिखाया था। माँ चश्मा नहीं लगाया है, चश्मा लगाइए ना माँ। अरे हाँ ये तो जमाई सा है, अरे इन कपड़ों में तो पहचान ही नहीं जा रहे हो। अरे मन ने लगा कि दूसरा छोरा तो ना आ गया। पधारिए पधारिए। आइए आइए। आंटी अक्षरा भाभी अपने कमरे में ही है ना? हाँ बेटा। मैं भी जाऊँ, मैं भी तो देखूँ कैसे लग रही है मेरी भाभी अपने सगाई के जोड़े में। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ हाँ बेटा जरूर जाओ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। थैंक्स दादी जी। पधारी। आई आई। हाय। ओ माय कितनी प्यारी लग रही है, नजर का टीका तो लगा दिया ना मेरी भाभी को। सॉरी मुझसे रहा नहीं गया, आपको देखने का बहुत मन कर रहा था। तुम्हारे नैतिक दादा तो इसे देखते होश उड़ जाएंगे और क्या। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, और ये कलर तो तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक्स। एक और चीज, मैं आपको आपकी एंगेजमेंट की रिंग दिखाने आई हूँ। माँ ने पसंद की थी, कैसी है? शायद आपको पसंद नहीं आई ना, पुराने स्टाइल की है, मुझे भी यही लगा था। समझ सकती हूँ, हमें वैसे सिंपल रिंग सी पसंद आती है ना। बताइए ना, आप मुझे सच बता सकती हैं? बताइए ना भाभी, कैसी लगी आपको ये अंगूठी? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।